हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर अर्थात आरोही अवरोही क्रम। आपको पहले बता देता हूँ कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम को याद रखने के लिए हम को याद रखना होगा आरोहण। आरोहण का मतलब होता है किसी स्थान पर चढ़ना, मतलब चढ़ते हैं कहाँ से, मतलब एक हिल है, दे रखी है हमें हिल, एक हिल दे रखी है, हिल में हम नीचे से चढ़ते हैं तो आरोही करते हैं नीचे से, मतलब सबसे छोटी बिन आरोही क्रम में आएगी और अवरोही क्रम इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे बड़ी बिन पहले आएगी। अब ये एक भिन्न है, इसमें आपको ये चार बातें याद रखनी है। पहली हर बराबर, दूसरी अंश बराबर, तीसरी कॉमन डिफरेंस और चौथी क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तीनों सिंपल हैं, चौथा कठिन ये है। जब आपको पहले बोलना है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ऐसा, पहले बोलना है हर बराबर, फिर अंश बराबर, फिर कॉमन डिफरेंस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको देखना है पहले हर बराबर, पहली है हर बराबर, तो आपको देखना है ये अंश है इनका, ये हर है, तो सभी बिनों का हर बराबर है। नो 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 नो, तो सभी बिनों का अंश बराबर है, हर बराबर है। अगर सब किसी भी बिन का हर बराबर हो तो वह बिन बड़ी होती है जो बिन हमें सबसे बड़ी दिख रही है। इनमें से सबसे बड़ी बिन कौन सी है? चार, पाँच, छः, सात, आठ, इन सब में से आठ बड़ा है, तो 8/9 सबसे बड़ी बिन है, तो सबसे बड़ी बिन पहले आ जाएगी, अवरोही क्रम है ये। फिर सात बड़ा है इन सबसे, 7/9 आ जाएगी, फिर छः बड़ा है फिर आ जाएगी 6/9, फिर बड़ा है 5 फिर आ जाएगी 5/9 और फिर आ जाएगी 4/9। ठीक है, ये इसका क्रम है अवरोही। आरोही में सेट करेंगे तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा और सबसे छोटी भिन्न वो यहाँ पर आती है, क्योंकि इसे आपको कर कर बता देता हूँ। अब इसे चढ़ रहे हैं हम, पहाड़ के मानो चढ़ रहे हैं, तो सबसे छोटी भिन्न पहले आएगी, फिर 5/9, फिर 6/9, फिर 7/9, फिर 8/9। ठीक है, पहले आपको बोलना है हर बराबर, हर आपको देखना है, पहली पहली बात आपको मैं अपने दिमाग में बोलनी है हर बराबर। ठीक है, ओपन करियो। हाय फ्रेंड्स, अब आता है सेकंड, अंश बराबर। अंश बराबर पहले हमने हर बराबर देखा था, हर बराबर इसमें देखना है नहीं है, अब देखना है अंश बराबर। अंश बराबर है सबका, अंश बराबर है 3, 3, 3, तो अंश बराबर का मतलब ये होता है कि जो भिन्न सबसे बड़ी दिख रही है, 3/11 सबसे बड़ी दिख रही है, क्योंकि 7, 5, 2, 4, 11, 11 सबसे बड़ा है, तो 11 सबसे बड़ी दिख रही है, तो यह भिन्न सबसे छोटी होगी। हर बराबर में ये था कि जो बड़ी भिन्न है वो बड़ी होगी, लेकिन अंश बराबर में ये है जो बड़ी भिन्न है वो छोटी होगी, मतलब जो सबसे छोटी भिन्न ये है तो ये सबसे बड़ी होगी। 3/2, फिर आएगा 3/4, फिर आएगा 3/5, फिर आएगा 3/7, फिर आएगा 3/11। 3/11 हर बराबर होता तो सबसे बड़ी भिन्न होती, इसमें अंश बराबर है तो ये सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हमें बोलना है हर बराबर, फिर देखना है हमें अंश बराबर। हर बराबर नहीं है, अंश बराबर है, तो जो भिन्न सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी होगी और जो भिन्न सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अब आता है कॉमन डिफरेंस। पहले आपको बोलना है हर बराबर, हर बराबर नहीं है, सेकंड बोलना है अंश बराबर, अंश बराबर किसी का नहीं है, अब देखना है कॉमन डिफरेंस। इनमें कॉमन डिफरेंस देखिए, 1 + 1 हो रहा है इसमें, यहाँ से इसमें भी +1, 3 + 1 4, इसमें भी +1, 2 + 1 3, इसमें भी +1, 8 + 1 9, इसमें भी 13 + 1 14, मतलब सब में एक जुड़कर आ रहा है, अंश में जब एक जोड़ते हैं तब आ रहा है हर, तो मतलब कॉमन डिफरेंस सबका समान है, तो ये हर बराबर के समान है। हर बराबर में जो बिन बड़ी थी वो बड़ी होगी, तो कॉमन डिफरेंस में यही है, जो बिन सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी होगी। 13/14 सबसे बड़ी दिख रही है हमें, फिर दिख रही है 8/9, फिर दिख रही है 5/6, फिर दिख रही है 3/4, फिर दिख रही है 2/3। 2/3 सबसे छोटी और 13/14 सबसे बड़ी, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको देखना है जो बिन सबसे बड़ी है वो सबसे दिख रही है वो सबसे बड़ी होगी। अब हमें 2/3 सबसे छोटी दिख रही है, 3/4 इससे बड़ी है, इससे बड़ी फिर 5/6 है और इससे बड़ी 8/9 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है तीसरा। आपको अपने मन में बोलना है पहले हर बराबर, फिर अंश बराबर, फिर कॉमन डिफरेंस। हर बराबर नहीं है, अंश बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो इसे सेट कर देंगे, जो भिन्न बड़ी वो बड़ी, जो सबसे छोटी वो छोटी। अब फ्रेंड्स आता है, पहले हमें बोलना है हर बराबर, नेक्स्ट भिन्न हर बराबर इसमें नहीं है, बोलना है इस बराबर, इसमें अंश बराबर नहीं है, अब बोलना है कॉमन डिफरेंस, किसी का भी कॉमन डिफरेंस समान है, इसमें 6 जुड़ रहा है, इसमें 7 जुड़ रहा है, इसमें 1, 1, 1, तो बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग जुड़ रहे हैं, इसमें अलग अलग, सबका बराबर होना चाहिए, तो ये तीन फॉर्मूले तो इसमें नहीं लगेंगे। अब जो था है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आप ऑप्शन से करना है आपको इसको, जो मैं बता रहा हूँ आपको बस सीख लेना है और ऑप्शन को आजमाना है जब एग्जाम में आए। तो सबसे पहले आपको दो भिन्न ले लेनी है, कोई भी दो भिन्न ले लीजिए, ये चाहिए, ये चाहे कौन सी भी। अब हमने ली है 5/11 और 6/13, दो भिन्न ले ली, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इससे, इसको करना है इससे,
11 को 6 से करेंगे तो 66 आएगा, और 13 को 5 से करेंगे तो 65 आएगा। 66 बड़ा है किसके नीचे है, 6/3 भिन्न के नीचे है, तो 6/3 भिन्न बड़ी है 5/11 से। ठीक है, मतलब चलो 6/13 तो बड़ी हो गई है 5/11 से। अब जो बड़ी भिन्न है उसको हमें लेना है, मतलब जो बड़ी भिन्न 6/13 थी उसको ले लिया। अब 8/9 को ले लेंगे इसके आगे वाली भिन्न को, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 54 और 13 8 104, 104 बड़ा है 54 से, तो ये भिन्न 8/9 बड़ी है 6/13 से। तो अब हमें जो बड़ी भिन्न 8/9 उसको लेना है 8/9 और 7/8 आगे वाले भिन्न लिखने, 8 8 64 और 7 9 63, 64 का मान बड़ा है मतलब 8/9 भिन्न बड़ी है। इसके हमें ऊपर लिखना, याद रखना आपको इसे ऊपर लिखना है, 8/9 बड़ी है, इस छोटे भिन्न को छोड़ देंगे। अब 8/9 का इसके साथ करेंगे, 8/9 और 6/7, 7 का 8 से करेंगे 56 और 9 का 6 से करेंगे 54, 56 बड़ा है तो 8/9 भिन्न सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी भिन्न 8/9 है, आपको सबसे पहले लिख दे देना है 8/9। अब 8/9 को आपको छोड़ देना है। हमने 5/11 और 6/13 में इसे ज्ञात किया था सबसे बड़ी कौन सी, 13 5 65 यहाँ पर आएगा और 11 6 66 यहाँ पर आएगा, मतलब 6/13 बड़ी भिन्न है। 6/13 का इसके साथ करेंगे, 6/13 का करेंगे 7/8 के साथ, ये तो सबसे बड़ी भिन्न है इसे छोड़ दिया, तो 8 6 48, 13 7 91, तो 91 बड़ा है तो 7/8 बड़ी है 6/13 से, 6/13 से बड़ी है तो ये इससे भी बड़ी होगी क्योंकि 6/13 इससे बड़ा था। ठीक है, तब 7/8 बड़ी है, 7/8 का हम करते हैं अब 6/7 के साथ, अब 7 7 49 और 8 6 48, तो 49 बड़ा है तो 7/8 भिन्न बड़ी है, तो अब लिख देंगे यहाँ पर 7/8। अब ये 2 छूट गई, हमने पहले देखा था ये 6/13 बड़ी है, 6/13 का साथ ही इसके साथ करेंगे, 6 7 42, 13 6 78, तो 78 बड़ा है तो 6/7 भिन्न फिर इसके बाद इनसे छोटी है। अब ये बच गई 2, हमें 2 में पता ही है 13 5 65, 11 6 66, 66 बड़ा है तो इससे बड़ी भिन्न है 6/13, और फिर सबसे छोटी है 5/11। आप ये करकर भी देख सकते हैं, जैसे 5/11 को इसके एग्जाम में करें तो देखिए 8 8 64, 7 9 63, तो ये बड़ी भिन्न है 64 बड़ा है, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ करेंगे, 7 7 49 और 8 6 48, तो 49 बड़ा है। ठीक है, अब इसको इसके साथ करेंगे, 13 6 78, 7 6 42, तो 78 इससे बड़ा है। ठीक है, ये इससे बड़ी है। अब ये 11 6 66, 13 5 65, ठीक है 66 से बड़ा है, ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी ले सकते हैं। अब 13 का इससे करेंगे, क्या ये भिन्न और ये भिन्न कौन सी बड़ी है इनमें से, 13 का 8 से करेंगे 104 और 9 को 6 54, तो मतलब 104 बड़ा है 54 से, तो 8/9 बड़ी है। आपको ऑप्शनल करना है, एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें एक भिन्न, दो भिन्न, तीन भिन्न, चौथे भिन्न, जब आप इन दो दो का जोड़ा बना बना कर देखें तो आपको पता चल जाएगा सेकंड गलत है फर्स्ट गलत है, आप उस भिन्न को छोड़ देंगे, ये नहीं है, सेकंड में पिटाएंगे आजमाएंगे आपको पता चल जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको फ्रेंड्स ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, थैंक यू फ्रेंड्स।